ऑटो ड्राइवर सुनीता चौधरी के साथ लूट, जमा पूंजी लूटकर भाग गए बदमाश। विजय गोयल ने की आर्थिक मदद, राष्ट्रपति भी कर चुके हैं सुनीता को सम्मानित। यह है दिल्ली की पहली महिला ड्राइवर सुनीता चौधरी। सुनीता पिछले 15 सालों से ऑटो चला रही है। अपनी मेहनत की बदौलत इन्होंने जो कुछ पैसे जमा किए थे उससे ऑटो खरीदने के लिए दिल्ली जा रही थी, लेकिन कुछ बदमाशों ने इनकी वो जमा पूंजी भी लूट ली। लूट की घटना के बारे में पता चलने पर सांसद और बीजेपी नेता विजय गोयल ने इनकी मदद की। मीडिया में जब मैंने रिपोर्ट्स देखी और मुझे उससे पता चला कि सुनीता चौधरी जिनके बारे में पहले भी अखबारों में आता रहा है कि वो उत्तर भारत की सबसे पहली महिला ऑटो ड्राइवर हैं, उनको साहिबाबाद से दिल्ली आते हुए एक ऑटो रिक्शा में ही बैठे हुए 3 आदमियों ने उनको लूट लिया। लूटपाट की घटनाएं होती हैं, पर मेरे को जो ज़्यादा संवेदना हुई वो इस बात से हुई कि जितने भी उनकी जमा पूंजी थी जो उन्होंने जमा कर रखी थी वो जमा पूंजी उन्होंने अपने एक बैग में रखकर वो दिल्ली ला रही थी इस बात के लिए कि उससे एक ऑटो को वो बुक कराएंगी नए को, क्योंकि 15 साल पुराने ऑटो अब चल नहीं सकते। जमा पूंजी के लूट जाने के बाद और इस बुरे वक्त में मदद के लिए बीजेपी सांसद विजय गोयल को सुनीता चौधरी ने आभार जताया है। माननीय विजय गोयल जी का और भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरी एक ऐसे बुरे वक्त में मदद करी है, क्योंकि मैं जो मेरे पास जमा पूंजी थी वो वहाँ पर मोहनगर से जो ऑटो पकड़ा था तो मैं उन लुटेरे का शिकार बन गई और मेरे पास कोई पैसा नहीं था। मैं उस पैसे से नया ऑटो फाइनेंस कराना चाहती थी, क्योंकि कुछ तो गवर्नमेंट लोन पास कर देती है, कुछ पैसा हमें अपने पास से देना होता है। जैसे 80% कर दिया तो 20% हमें अपने पास से लगाना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से मैंने पैसे को जोड़ा था। वही सोशल मीडिया पर विजय गोयल के इस काम की प्रशंसा हो रही है। अलका लांबा ने भी ट्विटर पर विजय गोयल के इस कदम की प्रशंसा की। ब्यूरो रिपोर्ट दिल्ली तक।